मध्य प्रदेश में लगातार जारी लोकायुक्त टीम की कार्रवाई के बावजूद यहां के सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी का जाल लगातार फैलता जा रहा है। ऐसा ही मामला रिश्वतखोरी का ताजा मामला सूबे के सीहोर जिले में सामने आया है, जहां बुधनी थाने में पदस्थ एक होमगार्ड जबान का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि जबान ब्रजलाल झरबड़े बताया जा रहा है। वीडियो में होमगार्ड जबान की पैसे की लेन देन की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही है। यह वीडियो वाहन चेकिंग का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बुधनी SDOP शशांक गुर्जर ने कहा कि जबान का वीडियो सामने आने के बाद उसे थाने से हटाकर होमगार्ड डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया है। उसकी किट भी जमा कर ली गई है। वीडियो की जांच शुरू कर दी है। दोषी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसा वीडियो हमारे संज्ञान में आया जिसके जिसके मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया है, और उसमें कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी किट जमा करा ली थी होमगार्ड से, और प्राथमिक जांच के भी आदेश दिए गए। दोषी पाया जाता है।